ये वो जहाज था जिस पर पूरी एविएशन इंडस्ट्री को बहुत फख्र था। इसको बनाने में कई साल लग गए और ये बिना किसी खास मसले के 30 सालों से भी ज्यादा अरसे तक सर्विस में रहा। ये दुनिया का पहला और आखिरी सुपरसोनिक पैसेंजर एयरक्राफ्ट मॉडल था, जिसको आज हम कॉन्कॉर्ड के नाम से जानते हैं। सुपरसोनिक यानी ये साउंड की स्पीड से भी तेज रफ्तार से उड़कर पैसेंजर्स को सिर्फ 3.5 घंटे में अटलांटिक ओशन क्रॉस करवा देता था। लेकिन दुनिया देखती ही रह गई जब 25 जुलाई 2000 वाले दिन सिर्फ 121 सेकंड्स इसकी 30 साल की सर्विस पर हावी हो गए और इस जहाज के मॉडल को हमेशा हमेशा के लिए डिसकंटिन्यू करना पड़ गया। टेक ऑफ से पहले एयरक्राफ्ट में किसी किस्म का कोई मसला नहीं था, लेकिन क्रैश के बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पेंसिल जितनी छोटी सी मेटल स्ट्रिप को कसूरवार ठहराया गया। पर आखिर कैसे एक छोटी सी मेटल स्ट्रिप 110,000 किलो के जहाज को कैसे ले डूबी और आखिर इसके बाद कॉन्कॉर्ड को हमेशा हमेशा के लिए डिसकंटिन्यू क्यों कर दिया? ZMTV की वीडियोस में एक बार फिर से खुश आमदीद नाजरीन। ये दास्तान है एयर फ्रांस फ्लाइट 4590 की, जिसको पेरिस के शार्ल डिगॉल एयरपोर्ट से न्यूयॉर्क में जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट तक जाना था। इसमें टोटल 100 पैसेंजर्स, 6 केबिन क्रू और 3 पायलट्स मौजूद थे। ये लेजेंडरी एयरक्राफ्ट BAC कॉन्कॉर्ड था, जो एविएशन इंडस्ट्री में अभी तक का सबसे डैशिंग जहाज माना जाता है। यहाँ तक के कई लोग इसको इंजीनियरिंग का चमत्कार भी समझते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये नॉर्मल पैसेंजर एयरक्राफ्ट से डबल स्पीड पे उड़ता था, जिससे अमेरिका और यूरोप का सफर 7 घंटों के बजाय सिर्फ 3.5 घंटों में तय किया जा सकता था। साउंड की स्पीड जो कि 1235 किलोमीटर पर आर है, कॉन्कॉर्ड इससे भी कहीं ज्यादा तेज सुपरसोनिक स्पीड से फ्लाई करता था। इसकी टॉप स्पीड 2180 किलोमीटर पर आर रिकॉर्ड की जा चुकी है। इस स्पीड से फ्लाई करने के पीछे कॉन्कॉर्ड का शानदार विंग डिजाइन था, जिसको डेल्टा विंग कहते हैं। ये विंग वैसे अमूमन फाइटर जेट्स में देखा जाता है, पर इसको इंजीनियर्स ने कॉन्कॉर्ड में भी इसी वजह से लगाया था ताकि ये फाइटर जेट्स की तरह सुपरसोनिक स्पीड से उड़ सके। पर इस डेल्टा विंग के साथ प्रॉब्लम यह है कि इसको टेक ऑफ के लिए बहुत ज्यादा स्पीड चाहिए। ना सिर्फ स्पीड बल्कि जहाज का एंगल ऑफ अटैक भी। एंगल ऑफ अटैक यानी जिस वक्त जहाज की नोज टेक ऑफ के लिए ऊपर की तरफ उठती है। कंपैरिजन के लिए देखा जाए तो एक नॉर्मल पैसेंजर प्लेन के टेक ऑफ में एंगल ऑफ अटैक काफी कम होता है, जबकि कॉन्कॉर्ड में एंगल ऑफ अटैक इतना ज्यादा होता है कि पायलट को आगे रनवे नजर नहीं आता। यही वजह है कि कॉन्कॉर्ड की नोज को फ्लेक्सिबल रखा गया है, जिसको टेक ऑफ के वक्त नीचे कर दिया जाता था ताकि पायलट को आगे सब कुछ दिखाई दे सके। एंगल ऑफ अटैक से हटकर स्पीड की बात की जाए तो बोइंग 737 का टेक ऑफ 140 नॉट्स या फिर 160 किलोमीटर पर आर पे हो जाता है। वहीं कॉन्कॉर्ड को टेक ऑफ के लिए 200 नॉट्स तक स्पीड गेन करनी पड़ती है, जो कि 230 किलोमीटर पर आर बनती है। इतनी ज्यादा स्पीड की वजह से कॉन्कॉर्ड के टायर्स पे हद से ज्यादा प्रेशर पड़ता था और कई इंसिडेंट्स में इनके टायर बर्स्ट भी हो जाते थे। अपने 30 साल की सर्विस में 57 मरतबा कॉन्कॉर्ड के टायर बर्स्ट रिकॉर्ड किए गए, लेकिन इनमें कोई खास नुकसान नहीं हुआ। अब क्योंकि ये टायर बहुत तेज स्पीड में बर्स्ट होते थे, इसी वजह से टायर के टुकड़े ऊपर विंग पर भी गोली की स्पीड से लगते थे, जिससे विंग पंचर होने का खतरा रहता था। और क्योंकि दूसरे एयरक्राफ्ट की तरह फ्यूल कॉन्कॉर्ड के विंग्स में ही स्टोर होता है, कोई मामूली टायर बर्स्ट फ्यूल लीकेज की वजह ना बने, इसीलिए इंजीनियर्स ने कॉन्कॉर्ड के शुरुआती मॉडल्स में ही इसके लैंडिंग गियर में कुछ चेंजेस की और टायर को ज्यादा मजबूत बना दिया। इन चेंजेस की वजह से कॉन्कॉर्ड के टायर बर्स्ट का मसला काफी हद तक सॉल्व हो चुका था। इतनी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन एयर फ्रांस 4590 के इस हादसे को समझने के लिए काफी है। 25 जुलाई 2000 को दोपहर के 2:35 पे एयर फ्रांस फ्लाइट 4590 डिपार्चर के लिए बिल्कुल तैयार थी। दोनों पायलट्स और एक फ्लाइट इंजीनियर सब के सब काफी एक्सपीरियंस थे। पैसेंजर बोर्डिंग के बाद उन्होंने टावर से रनवे पर जाने की परमिशन मांगी। पेरिस के एयरपोर्ट पे दो रनवेज हैं, 26R और 26L।
26R लंबा रनवे है और कॉन्कॉर्ड को भी टेक ऑफ के लिए लंबा रनवे ही चाहिए था, लिहाजा कंट्रोल टावर ने उनको 26R तक जाने की परमिशन दे दी। फ्लाइट 4590 टैक्सी वे रोमियो से होती हुई 26R पर जाकर अलाइन हो गई, लेकिन मसला ये था कि कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस का DC-10 एयरक्राफ्ट पहले से 26R पर टेक ऑफ के लिए रेडी था, वही रनवे जिस पर कॉन्कॉर्ड को भी टेक ऑफ करना था। पहले DC-10 को टेक ऑफ करना था और उसके बाद एयर फ्रांस के कॉन्कॉर्ड की बारी आनी थी। इस दौरान कॉन्कॉर्ड के कैप्टन ने फ्लाइट चेक्स किए, जो कि टेक ऑफ से पहले एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है। इन फ्लाइट चेक्स में दोबारा से जहाज के वेट और फ्यूल का जायजा लिया जाता है, क्योंकि इसी पर जहाज का टेक ऑफ डिपेंड करता है। खैर, जब कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस के DC-10 ने अपना टेक ऑफ शुरू किया, तभी उसके राइट इंजन से एक छोटी मेटल स्ट्रिप अलग होकर रनवे पर गिर गई। इस जहाज के पायलट ने ऐसा कुछ नोटिस नहीं किया और वो टेक ऑफ करके निकल गए। DC-10 और कॉन्कॉर्ड के टेक ऑफ में टाइम डिफरेंस इतना कम था कि रनवे इंस्पेक्शन का टाइम ही नहीं मिला, और उस दौर में फ्रांस के एयरपोर्ट्स पर दिन में सिर्फ 2 मरतबा ही रनवे इंस्पेक्शंस की जाती थी। अब बारी थी एयर फ्रांस 4590 की। उन्होंने कंट्रोल टावर से टेक ऑफ की परमिशन मिलने के बाद थ्रस्ट लिवर्स को एंगेज कर दिया। इसका मतलब था कि अब चारों इंजन अपनी फुल पावर पे चलेंगे। इस वक्त दोपहर के 2:42 हो रहे थे और यहीं से स्टार्ट होते हैं वो 121 सेकंड्स, जो आने वाले वक्त में कॉन्कॉर्ड की 30 साला सर्विस पर हावी हो गए। कॉन्कॉर्ड अब 26R पर स्पीड पकड़ना शुरू हो चुका था। 24 सेकंड के बाद फर्स्ट ऑफिसर ने कैप्टन को बताया कि चारों इंजन सही से काम कर रहे हैं। 11 सेकंड्स के बाद फर्स्ट ऑफिसर ने कैप्टन को V1 का सिग्नल दिया, जिसका मतलब होता है कि अब इस टेक ऑफ को एबोर्ड नहीं किया जा सकता। कॉन्कॉर्ड को टोटल 35 सेकंड गुजर चुके थे और वो 1700 मीटर्स का रनवे क्रॉस कर चुका था। 2:43 और 9 सेकंड्स पे कॉन्कॉर्ड ने हल्का सा लेफ्ट टर्न लिया। याद रहे कि ये सारी इंफॉर्मेशन कॉन्कॉर्ड के फ्लाइट रिकॉर्डर में भी स्टोर हो रही थी, जिसको ब्लैक बॉक्स भी कहा जाता है। कॉन्कॉर्ड को लेफ्ट टर्न पायलट ने नहीं किया था, बल्कि इसका लेफ्ट लैंडिंग गियर उस मेटल स्ट्रिप के ऊपर चढ़ गया था जो DC-10 के इंजन से गिरी थी। अगले ही सेकंड कॉन्कॉर्ड का लेफ्ट व्हील, जिस पर ऑलरेडी इतना ज्यादा प्रेशर था, वो एक धमाके से फट पड़ा। अब यहाँ सवाल उठता है कि इन्वेस्टिगेशन टीम को कैसे मालूम पड़ा कि कॉन्कॉर्ड का टायर उसी मेटल स्ट्रिप के लगने की वजह से ही फटा है। असल में जिस सेकंड में जहाज ने लेफ्ट टर्न लिया था, फ्लाइट रिकॉर्डर में उस वक्त की जो लोकेशन रिकॉर्ड की गई थी, वो वही लोकेशन थी जहां से इन्वेस्टिगेशन टीम को मेटल स्ट्रिप मिली थी। तो इस बात का 99% चांस था कि इसी मेटल स्ट्रिप की वजह से कॉन्कॉर्ड का टायर बर्स्ट हुआ था। लेकिन वीडियो में आगे चलकर ये साबित भी होगा कि ये मेटल स्ट्रिप DC-10 की ही थी। कॉन्कॉर्ड का लेफ्ट मोस्ट टायर बर्स्ट हो चुका था और ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि किसी ने भी इसको नोटिस नहीं किया। पर अगले ही लम्हे वो हुआ जिसका शक इंजीनियर्स पहले ही कर चुके थे। टायर के टुकड़े फ्यूल टैंक पर इतनी तेजी से लगे कि लेफ्ट फ्यूल टैंक फट गया और अब फ्यूल प्रेशर से लीक होने लगा। ना सिर्फ इतना, बल्कि किसी वजह से इसमें फौरन आग भी भड़क उठी। इस मोमेंट पे एयरक्राफ्ट लेफ्ट की तरफ ड्रैग होने लगा और कैप्टन ने उसको कंपनसेट करने के लिए राइट पैडल प्रेस किया, इस बात से बेखबर कि उनके जहाज में आग लग चुकी है। अभी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ये चीज नोटिस करता कि कॉन्कॉर्ड टेक ऑफ कर गया। टेक ऑफ करते ही जहाज के दोनों लेफ्ट इंजन्स आग से निकलने वाले धुएं की वजह से बंद हो गए। जेट इंजन्स की फ्रंट साइड पे एयर इनटेक होता है, जहां से इंजन हवा को अपने अंदर सक करके उसको कंप्रेस करता है। जब हवा की जगह उसमें धुआं जाने लगा तो कंप्रेसर चोक हो गया, जिसकी वजह से अब दोनों इंजन फेल हो गए। फ्लाइट इंजीनियर ने फौरन इमरजेंसी प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया। इसी दौरान ATC ने भी कैप्टन को बताया कि उनके एयरक्राफ्ट में आग भड़क रही है और उनको फौरन वापस एयरफील्ड पर लैंड करने का कहा। एयर फ्रांस 4590 का कॉन्कॉर्ड अब सिर्फ 2 राइट इंजन्स के सहारे था। दोनों इंजन्स बंद हो जाने की वजह से कॉन्कॉर्ड ज्यादा एल्टीट्यूड गेन नहीं कर पा रहा था, बल्कि अपना करंट एल्टीट्यूड ही मेंटेन करना उसके लिए बहुत मुश्किल था।
लेफ्ट विंग में लगी आग ने अब फ्लैप्स को भी मेल्ट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कॉन्कॉर्ड अब लेफ्ट की तरफ टर्न करने लगा। कैप्टन ने उसको कंपनसेट करने के लिए जहाज को राइट टर्न किया, लेकिन इसकी वजह से स्पीड और कम हो रही थी, और स्पीड ही तो थी जो इस वक्त कॉन्कॉर्ड को बचा सकती थी। फाइनली 121 सेकंड्स पर 244 और 31 सेकंड्स पे कॉन्कॉर्ड का लेफ्ट टर्न काफी बढ़ गया और वो एल्टीट्यूड कम करता करता एक होटल की बिल्डिंग से जा टकराया। ये हादसा कॉन्कॉर्ड में मौजूद 109 लोग और जमीन पे 4 लोगों की जान ले गया। एक्सीडेंट के फौरन बाद ही क्रैश साइट को सील करके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी गई, और जैसा कि मैंने पहले बताया, इन्वेस्टिगेटर्स ने फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर की मदद से रनवे के उस हिस्से को सर्च किया जहां से कॉन्कॉर्ड लेफ्ट टर्न हुआ था, तो वहां उनको वो मेटल स्ट्रिप पड़ी हुई दिखाई दी। उन्होंने कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस के DC-10 का मुआयना किया तो वाकई उसके राइट इंजन में वो मेटल प्लेट मिसिंग थी। जब इन्वेस्टिगेशन टीम ने कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस की मेंटेनेंस हिस्ट्री चेक की तो मालूम पड़ा कि इस मेटल स्ट्रिप को इंजन मैन्युफैक्चरर की SOP के खिलाफ जाकर एक नहीं बल्कि 2 बार रिपेयर किया गया था। इसमें टोटल 37 मरतबा ड्रिल से सुराख करके जुगाड़ी तरीके से इसको फिट किया गया था, और यही वजह थी कि ये इंजन की वाइब्रेशन बर्दाश्त ना कर सकी और टूट कर रनवे पर गिर गई। इस हादसे के बाद बाकी तमाम कॉन्कॉर्ड एयरक्राफ्ट्स को भी ग्राउंड कर दिया गया, क्योंकि तेज स्पीड की वजह से इनका टायर फटना, जो कि एक जाना माना मसला था, वो अब 113 लोगों की जान ले चुका था। इंजीनियर्स अगले कई महीनों तक इसका कोई खास सॉल्यूशन नहीं निकाल सके। अगले साल 2001 में 9/11 के अटैक्स के बाद पूरी दुनिया में पैसेंजर्स ने खौफ के मारे जहाज में सफर करना ही छोड़ दिया। कॉन्कॉर्ड की टिकट प्राइस, जो कि पहले ही नॉर्मल प्लेन के मुकाबले में बहुत ज्यादा थी, इस सिचुएशन में इनका दोबारा ऑपरेट करना किसी भी तरह मुमकिन नहीं था। यही वो पॉइंट था जब कॉन्कॉर्ड को हमेशा हमेशा के लिए डिसकंटिन्यू करके म्यूजियम में रख दिया गया। शायद फ्यूचर में दोबारा से इंसान सुपरसोनिक स्पीड से ट्रेवल कर पाए, लेकिन फिलहाल हमें सिर्फ इतना मालूम है कि हिस्ट्री में ऐसे 31 साल भी गुजरे हैं जिसमें इंसान साउंड की स्पीड से भी तेज ट्रेवल करते थे। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।